नूरपुर के बीडीओ कार्यालय के सभागार में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में पैन इंडिया अवेयरनेस एवं आउटरीच अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेमपाल रांटा मौजूद रहे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेमलाल रांटा ने कहा कि लोकतंत्र में न्याय पाना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि असहाय व गरीब लोगों को सुलभ व समयबद्ध न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। विधिक प्राधिकरण समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बुजुर्ग, बूढ़े माता पिता, असहाय महिलाओं, दिव्यांगजनों, बच्चों सहित अन्य पात्र जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क न्याय की व्यवस्था प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि न्याय प्राप्त करने के लिए कोई भी पात्र व्यक्ति एक सादे कागज में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति को आवेदन करके मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। जो हमने नालसा से जो डायरेक्शन आती है, हमारे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो प्राधिकरण है राष्ट्रीय लेवल पे, वहाँ से एक डायरेक्शन है कि 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जाए, जागरूकता अभियान। तो इसमें सब चीज़ें, मतलब जैसे हम लोगों को ये लगता है कि जैसे महिलाएँ हैं, आशा वर्कर्स हैं और आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और भी समाज में जैसे हमारे PNP हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया पर्सन हैं, हमारे गवर्नमेंट के फंक्शन है जैसे SDM साहब या इनके अंदर जो काम करते हैं, हम इसको क्यों एक बिल्कुल साझा तौर से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि साझे तौर से जो काम किया जाता है उसमें सफलता बहुत होती है। तो इसलिए आप लोगों को जोड़ने का एक मुख्य उद्देश्य यही है। थोड़ा सा हमारे माननीय अध्यक्ष जो है आजकल जो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान जी का यहाँ प्रोग्राम था, लेकिन वो किसी कारणवश उनको परसों वापस आना पड़ा, लेकिन वो बीच में आज कल हमें हमीरपुर जो है करेंगे, नहीं तो आप लोगों से उन्होंने रूबरू होना था। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को हमने अपनी बात यही बतानी है कि ये जो मिशन हमारा है, इतने 45 दिन का जो मिशन है, इसमें आप कैसे काम करेंगे, महिलाएं या आपके जैसे स्थानीय लोग हैं उनसे कैसे संपर्क करेंगे। हम जो है लक्ष्य क्या है, लक्ष्य हमारा ये है कि हमारे पास जितने गाँव हैं, गाँव हमारे हिमाचल में 21,000 से ऊपर है, शायद उनको हम अकेले 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति या 10 सेक्रेटरी अकेले नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों का सहयोग है। हम चाहते हैं हर पंचायत में, नगर पंचायत में आप लोग जाएं, वहाँ पर इस तरह के जो इश्तहार हैं, आप एक को नहीं 100 आदमी को इस तरह अपने साथ जोड़े, आपके पास व्हाट्सएप मैसेज है, उसके तहत जो है ना आप सब लोगों को उसमें कनेक्ट करें। तो इसमें हमने सभी आपको जानकारी दी है कि विधिक सेवा प्राधिकरण क्या काम करता है, जिला स्तर पर क्या होता है, सब बुजुर्ग स्तर पर क्या होता है, इसमें पूरी जानकारी है कि कौन पात्र व्यक्ति है। जैसे जितेंद्र श्रीमती ने बहुत अच्छे एग्जांपल सरल आपको दिए, जो सरल भाषा में जो आपको लोगों को समझाने हैं। तो अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आप किसी लोग से इंटरेक्ट कर रहे हैं कहीं पर, तो आपको थोड़ी सी उसमें दुविधा है कि मैं या व्यक्ति को या महिलाओं को या कोई गरीब तबका है, गरीब है, असहाय है, लाचार व्यक्ति है, तो उसको आप लगता है कि भी थोड़ी मंशा है कि शायद मैं इसको गाइड नहीं कर पाऊंगी, तो उसमें आपने क्या करना, सीधा जो इसमें नंबर है आपके पूरे, मुझे लगता है इसमें हमने पूरे जो हिमाचल में जितने नंबर जो हमारे हेल्पलाइन नंबर जो दिए हैं, वो व्यक्ति अगर शिमला का है तो आप शिमला भी फ़ोन कर सकते हैं, स्थानीय तो स्थानीय यहाँ इनको फ़ोन कर सकते हैं, तो आप उनको एक दिशा से गाइड कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ, मुझे लगता है कि पहले तो ये आपके कौन महिलाएं मंडल से हैं, कुछ महिला मंडल भी होंगे, हाँ महिला मंडल नहीं है, हाँ अच्छा हाँ। तो जैसे आशा वर्कर्स है, देखो आशा वर्कर्स का अभी जैसे कोविड का जो दौर चला, तो आप लोगों ने बहुत काम किया उसमें, देखो बहुत काम, सब किट पहुँचाई लोगों तक, उनके द्वार तक, तो आप इसलिए आप जोड़ने का क्या मन चाहिए, यही है कि उसी तरह आप जो है ना इस हमारी जो पहल में जो है ना आप सहायता दें।